नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की, हमारा अति थर्ड के बारे में। तो याद रखिए, इस बुक्स की दो भाग हैं, जिसमें से हम लोग पहला भाग देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग दो चैप्टर आपके खत्म कर चुके थे, ये है आपका तीसरा चैप्टर। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। याद रखिए, ये जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, इन्हें एक कहानी का रूप देकर पढ़िए, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़े धैर्य रखकर इसे पढ़ें और निकल जाएं। देखिए चित्र, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। यह चित्र उस चित्रकार में बना है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल में दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत को होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला रहे हुए थे या चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, मनमापे फसलों की कीमत कैसे कराई, फसलों की खेती कैसे कराई। आगे बात करते हैं कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। समझ में आया? जैसे आप जाए कहीं व्यापार करने, ठीक है, आप जाएं अमेरिका, जाएं व्यापार करने या कोई बिजनेस करने, पहले भारत से पैसा ले जाएं, समझ रहे, या भारत से सोना चांदी जो भी है लेते जाएं वहां, और वहां से सामान खरीद कर धंधा करें या व्यापार करें, फिर आप वहां की सत्ता में आ जाएं और फिर वहीं का पैसा लेकर, वहीं के पैसे से आप लोग व्यापार करें और फिर भेजें। यानी कि आपको इंडिया से पैसा या चांदी सोना मंगाने की जरूरत नहीं पड़े। इसी तरह अंग्रेजों का हाल था, जब वो आए व्यापार करने तो वहां से सोना चांदी ले आते थे, लेकिन यहाँ बसने के बाद
कुछ सत्ता में आने के बाद यहीं से पैसा लेने लगे और यहीं का जो इकट्ठा जमा करते थे उसी से अपना व्यापार करने लगे। इससे उन्हें कई गुना ज्यादा फायदा होने लगा, क्योंकि अब तो पैसा भी नहीं मंगाना पड़ता था, सोना चांदी नहीं मंगाना पड़ता था, वहां से यहीं से लेकर फायदा होने लगा। आगे बात करते हैं, जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीनी कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई बंगाल में। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक सप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं, देख लीजिए। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। बात करते हैं खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशक तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जा सक जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाले वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। इसे आप लोग स्थायी बंदोबस्त को इस तरह ले सकते हैं कि आप गांव के मुखिया, जो भी आपके यहाँ खेती होती है तो आपसे सरकार समझौता कर ले कि आप ही चुकाएंगे कर और आप वसूल करेंगे किसानों से, ठीक है? एक पर आपने देखा होगा गांव में अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वो बाजार लगते हैं ना, बाजार की नीलामी होती है, उसमें एक स्थायी पैसे से उस बाजार की जो भी सिस्टम रहता है उसे खरीद लिया जाता है। बाद में जो ठेका लेता है वो बाजार में जो भी सामान बेचने वाले दुकानदार आते हैं उनसे वसूल करता है। उसके बाद जो हिस्सा सरकार का होता है, जो तय होता है पहले से, सरकार को देता रहता है, ठीक है? अब बात करते हैं समस्या। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदारों को अपनी कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर
उनसे लगान वसूल करते थे। उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव के किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था। जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उससे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी या एक गांव या फिर गांवों का एक समूह होती थी। बंगाल के रैयतों पर कौल बुरुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 के एफटी कौल बुरुक ने इन दस्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीच आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी से दबे एक काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में भी दिल लगाकर काम कैसे कर सकते। ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की थी कोई उम्मीद दिखाई देती। बात करते हैं एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव के एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव ग्राम समूह महाल से वसूली होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त नाम दिया गया। क्या? महालवारी बंदोबस्त। मद्रास का गवर्नर जनरल देखिए गवर्नर थॉमस मुनरो। ये रहा आपका 1819 से 1826 था। अब बात करते हैं मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाद यानी कि रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को अजमाकर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। आगे बात करते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों से बहुत ज्यादा राजस्व तय
कर दिया गया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी की आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में वर्तमान उत्तर जैसे प्रदेश बोलते हैं, इसमें गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में आपके चावल। यह कैसे किया गया है? अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह हम लोग समझते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? देखिए, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत, मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड। चित्र 5 और चित्र 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 में की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपका ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाली छाप है। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया जा गया? इन छापों में आप जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में होने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया हो। इस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े ही रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड़ पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड़ उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड़ से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। बागान की बात करें, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता है, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास के विषय में बागानों को किया जाता है। ठीक है, यह है आपका बागान।
आगे बात करते हैं हम लोग 18वीं शताब्दी की। आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगीकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादक में क्या है, उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने से मिलने वाला आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गया। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादक आधा रह गया था। ब्रिटेन की रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता है? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। याद रखिए, 1788 में कितना था? 30%, और 1810 में 95%। कितनी बढ़ोतरी हुई! जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यवसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील के पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे, क्योंकि फायदा रहेगा। क्योंकि देखा होगा आपने, कोई तुम्हें तभी कर्ज दे सकता है जब उसे लगे कि तुम फायदे में कोई व्यापार कर रहे हो। नील का उस समय व्यापार करना बहुत लाभदायक था, इसलिए कोई भी कर्ज दे देता था। चित्र साफ देखिए, सेंट डोमिंग में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791 जनवरी, इसको दोलस की कच्चित। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। बात करते हैं नील की खेती कैसे होती थी, नील की खेती आखिर होती कैसे थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज और दूसरा रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। वो मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द-गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत
होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब है यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1,000 बीघा जमीन है तो उसे 2,000 हलों की जरूरत पड़ती है। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से अधिक भी जमीन कमा थी। क्या थी? इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत थी। गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था। बहुत वफादार होते थे गुलाम। फिर आप, अब तो वफादारी किताबों में ही मिलती है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आप किताबों में ही सही लगते हैं। एक नेता हो गया, एक वफादारी हो गई, एक इंसानियत हो गई, भरोसा हो गया, कहाँ बचा समाज में। फिर बीघा, जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। आगे बात करते हैं रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिकों मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वालों वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों का के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। वही चक दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। देखिए, चित्र 8, 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। चित्र 9 में देख लीजिए, खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे के गट्ठर हैं। ठीक, नील का उत्पादन कैसे होता था। बीटर, वाट, हौद, किड़वन। क्या है हौद? पटसन देखा है आपने, गांव में होता है, जिसे पानी में डाल देते हैं गलने के लिए कुछ दिन, फिर उसके बाद ऊपर से निकाल लेते हैं, उसी से डोरियां बनाते हैं अपने पशुओं को बांधने के लिए। इसी तरह से भी निकालते थे, कुछ दिन के लिए गलाने के लिए हौद में डाल देते थे, उसके बाद इस तरह से निकालते थे। नील के खेत के पास स्थित नील का एक कारखाना, विलियम सेप्सन का चित्र 1863 में। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के पास ही होते थे।
कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बैटस यानी कि हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या फिर स्टीमर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक हौद में छान दिया जाता था। दूसरे हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैदलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियों नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की लुगदी को दूसरे कुंड निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। नील के पौधे का पौध तक औरतों की ढोलन लाती चित हौद में घोल हिलाने वाले बाला यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़ी घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैदल लिए हुए हैं। देखिए पैदल इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरी नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। वाट एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। चित्र 13 बिक्री के लिए नील तैयार। देखिए यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दिए गए नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। अब बात करते हैं नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला रैतों ने बंगाल बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरत अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाला बालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीदारों गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। आपने देखी है ना समस्याएं, नील की खेती करते समय कितनी समस्याएं उत्पन्न होती थी। देखिए जब जनता असंतुष्ट हो तभी विद्रोह होते हैं। समझ में आया? अगर सब ठीक ठाक चलता रहे तो जनता को क्या लेना देना, उसका अच्छे से पेट भरते रहे तो कोई विद्रोह नहीं होने वाला। जब उसके सामने खड़ी होती है समस्या कोई भी तभी विद्रोह करते हैं वो लोग। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रेतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ 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 आमने सामने की लड़ाई लगी। कई स्थानों पर रैयतों के को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदारों को इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी। बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है।
बरसात में मजिस्ट्रेट एसली ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील कैनवन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोहों का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। जोर जबरदस्ती के टीम ने उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। नील गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते हैं। इनमें से एक गीत इस प्रकार है। मौला हाथी के बागान, मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गवाएंगे। गीत ये भी है। मैं भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हद्दी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्य ने बात की। हाजी मुल्ला ने अब कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटन का नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते हो? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो ये थी आपकी नील आंदोलन की कथा। वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जॉन बैप्टिस्ट लवात ने कैरिबियाई द्वीप का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लावात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों ने में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखे से घोल घुमा रहा है, दाएं से दूसरा। दो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं।
तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रखे हुए हैं। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर डाल दीजिए। ठीक है, ये है। अच्छे से पढ़िए आराम से, ऐसा कोई भी इसमें सवाल नहीं है कि जो समझ में ना आए। सब एक कहानी का रूप दे दिया गया है, सभी शब्द आसान है आपके लिए। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा अध्याय। हम लोग अध्याय 4 में बात करेंगे आदिवासी दीपू और एक स्वर्ण युग की कल्पना।